Hello everyone, this is Giraj Yadav. Today we are going to learn about Euclid division lemma. So let's start. Euclid division lemma. Given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 or less than p. आई एम श्योर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया हो, समझाते हैं. देखो ध्यान से, क्या है कि ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्यू और आर ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, कहाँ से बनी ये कंडीशन, कैसे आई, थोड़ा सा बताता हूँ. देखो ध्यान से, कुछ नया नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, देखो जैसे छोटा सा एग्जांपल लूँ मैं कि 16 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 3 से. ठीक है, 16 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 आएगा, 3 5 जो 15 होगा और रिमाइंडर आ जाएगा 1. तो यहाँ 16 और 3 के लिए एक तो कोशेंट मिलेगा, अगर डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है, कोशेंट रहेगा और एक रहेगा रिमाइंडर. रहेगा या नहीं रहेगा, और ऐसा क्या हर पेयर के साथ होगा? कोई भी दो नंबर लो, उनको आपस में डिवाइड करेंगे तो कोशेंट एक मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, यूनिक मिलेंगे. ठीक है, तो ये वही बात कर रहा है. यहाँ पर ने ए बी की जगह 16 और 3 लिया है, कोशेंट 5 4 1 आया है कि ए और बी कोई इंटीजर्स हैं, मान लो उनको डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू कोशेंट आया, आर रिमाइंडर आया. ये कंडीशन कहाँ से आई ये भी बताते हैं. अभी एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी होगी तुमने छोटी क्लास में, क्या होती है वो, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना. तो ये समथिंग ऐसा है कि ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, कोशेंट क्यू आ गया और रिमाइंडर आ गया आर. तो इसके अकॉर्डिंग, अच्छा इसको पहले लिख के बता देता हूँ, इसको कैसे लिखेंगे. इसके अकॉर्डिंग 16 तो अपना डिविडेंट है, डिवाइजर अपना 3 है, मल्टीप्लाई कोशेंट 5 है और प्लस रिमाइंडर 1 है. ठीक है, अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, देखो ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू इज बी क्यू प्लस आर. तो ये कुछ भी नया नहीं है, सिंपल डिवाइड है ऐसे मान लो तुम. ठीक है, समझने के लिए आ गया इतना समझ में. अच्छा एक चीज़ और, जो रिमाइंडर है क्या वो किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या 3 या 3 से अधिक हो सकता है? नहीं हो सकता, हमेशा 3 से छोटा ही रहेगा. ठीक है, अच्छा तो इस रिमाइंडर पर रेस्ट्रिक्शन है, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से छोटा रहेगा. ठीक है, तो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा और बी से छोटा होगा, बी से डिवाइड कर रहे हैं अपन तो बी से रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रख लो कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी. ओके, अब देखो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कहाँ पे होता है. ठीक, कभी कभी एल्गोरिदम बोल देते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम. तो एल्गोरिदम में क्या अंतर होता है, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा को ही बार बार अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तो उसको एल्गोरिदम बोल देते हैं. ठीक है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है. ठीक है, चलो तो अब देखते हैं. तो इसका यूज़ कहाँ होता है, HCF निकालने के लिए. ठीक है, HCF कैसे निकालते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके. देखो वैसे तुमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस. जैसे कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे 420 और 130. ठीक है, इनका HCF निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, डिवाइड कर दो 420 को 130 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स जाएगा, 390 आएगा, कितना बचा, 30 रिमाइंडर. ठीक है, अब डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो तो बन जाता है डिवाइजर, और जो अपना डिवाइजर था वो बन जाता है डिविडेंट. ठीक है, फिर दोबारा डिवाइड करो, फिर डिवाइड करो, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा. कब तक चलेगा ये, तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए, और रिमाइंडर जहाँ 0 हो जाएगा उस स्टेज पे जो डिवाइजर होगा वही होगा अपना HCF. ठीक है, चलो करो. तो कितना, 4 जा 120, कितना बचा, 10, यहाँ कितना आ जाएगा, 30,
और 10 3 जा 30, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो डिवाइजर क्या है इस स्टेज पे 10, तो 10 क्या हो गया HCF। लेकिन ऐसे तो बच्चे लिखते हैं, सिक्स क्लास में आता ये पोर्शन, ऐसे तो बच्चे करते हैं, करना तुमको भी ऐसे ही रफ में करना है, लेकिन लिखना कैसे है वो देख लो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, सबसे पहले वी अप्लाई मसोट में यूक्लिड डिवीजन लेमा, तुमको पूरा नेम लिखना है, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू किस किस पे अप्लाई करेंगे, 420 एंड 130, एंड वी गेट क्या मिलेगा अपने को, देखो इस पे ये वाला लगाना है, ठीक है, और ये क्या है सेम वैसे डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो कैसे आएगा, ए तुम्हारा ये है, बी ये है, क्यू ये है, आर ये है, तो ए मीन्स 420 इज इक्वल टू बी क्यू 130 मल्टीप्लाई 3 और प्लस रिमाइंडर इज 30। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, अब किस किस पे अप्लाई करेंगे, 130 और 30 पे, सिंपल सी बात है, टू 130 एंड 30 टू गेट क्या मिलेगा, 130 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10, है ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब भी रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या बोलेंगे, अगेन वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू, अब किस किस पे अप्लाई करेंगे, 10 और 30 पे, टू 30 एंड 10, तो क्या लिखेंगे 30 को, 30 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0, 30 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे, हैंस एच सी एफ ऑफ 420 एंड 130 इज कितना आया 10। ठीक है, तो ये ऐसे अपने को एच सी एफ निकालना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है। अच्छा, इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके कई स्टेटमेंट को अपने को प्रूफ करना होगा, ठीक है, जो अपन 1.1 में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिए उसके लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, थैंक यू वेरी मच।